परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सावन सोमवार के बारे में या सावन मास के बारे में और सावन मास भगवान शिव को क्यों प्रिय है। तो भगवान शिव की उपासना के लिए सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और सावन आदि का समय शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन मतलब हिंदू माह का श्रावण के महीने में भगवान शिव व सोमवार व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन के महीने में शिव भक्तों को प्रत्येक सोमवार को केवल रात में एक ही टाइम भोजन करना चाहिए और शिव जी की उपासना करनी चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत की विधि अन्य सोमवार व्रत की तरह ही होती है। तो मैं आपको कुछ रहस्यमयी बातें बताता हूं जो भगवान शिव के बारे में है। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के लिए एक समय भोजन करने का प्रण लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी की पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, जैसे दूध, जल, कंद, मूली आदि। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार इस व्रत का पालन करना चाहिए। 9वें या 16वें को व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार व्रत करना संभव ना हो तो केवल सावन के 4 सोमवार ही व्रत किए जा सकते हैं। अपने जो भोले बाबा हैं, अपने भोले स्वभाव के कारण भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। इसी कारण भगवान शिव जी से जुड़े व्रतों में किसी कड़े नियम का वर्णन पुराणों में नहीं है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत का वर्णन पुराणों में भी नहीं है। सावन सोमवार व्रत में 3 पहर तक उपवास रखने के बाद एक समय भोजन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, अन्य शिवजी से जुड़े व्रतों में भी सूर्योदय के बाद 3 पहर मतलब 9 घंटे तक उपवास रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तु जैसे भांग, धतूरा या दिन की पूजा में अवश्य उन्हें चढ़ाना चाहिए। तो ये थे कि भगवान शिव को सावन क्यों प्रिय है और उनकी विधि की उनकी पूजा कैसे की जाती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल परफेक्ट गार्डियन पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।